फ्रेंड्स, फूड लाइफ प्रोसेस में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपके साथ मसूर दाल की पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी तो इतने हैं कि पूछिए मत। मसूर दाल पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम मसूर दाल को ना आधे घंटे के लिए भिगो लेंगे। उससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भिगोना है। अगर ये उससे ज़्यादा भीग गए तो ये बहुत इसका बैटर है ना वो रनी हो जाएगा और उससे पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। क्रिस्पी पकोड़े बनाने का एक यही सीक्रेट है मसूर दाल का कि इसे सिर्फ आधा घंटा या उससे भी कम हो सके ना तो उतनी देर के लिए ही भिगोएं। उसके बाद हम सबसे पहले भीगा हुआ मसूर दाल को एक मिक्सी जार में लेकर उसे अच्छे से उसका ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट इसका हमें दरदरा ही रखना है, एकदम पूरा इसमें पानी नहीं डालेंगे, रनी नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें मिक्सी जार में मसूर दाल जो मैंने भिगो के रखा हुआ है वो डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। मसूर दाल के पकौड़े ना शाम में बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। अब मैं इसमें 4 लहसुन की कलियाँ डालूंगी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। आप चाहें तो ये पीसने के बाद भी क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ ही इसको पीस लेंगे ना तो ये इसका टेस्ट और अच्छा आता है। देख सकते हैं मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाया है और ये कितना दरदरा है। इसी टाइप का बैटर हमें चाहिए मसूर दाल के पकौड़े बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। अब मैं इसमें ना 2 बड़े कटे प्याज डालेंगे। प्याज ना हम इसे लंबे लंबे आकार में काटना है, हमें बारीक प्याज नहीं काटना है इस पकोड़े के लिए, क्योंकि ना बारीक प्याज फिर वो टेस्ट नहीं देगा इसमें। फिर मैं एक हरी मिर्ची काट के डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें हम ना 1/2 चम्मच अजवाइन भी डालेंगे। आप अजवाइन ना क्रश करके भी डाल सकते हैं, मैंने इसे डायरेक्ट डाल दिया है। अब हम इसे इस बैटर को अपने हाथों से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कीजिए कर सकते हैं, लेकिन क्या है होता है ना कि इसके जो प्याज है ना वो मिक्स करते वक्त ना हम इस तरीके से तोड़ते हुए इसे मिक्स करेंगे, ताकि जो ना जब ये पकौड़े हम छानेंगे ना तो इसमें प्याज की लेयर्स आएंगी। वरना ना आपके प्याज एकदम साबुत साबुत आपने पतले पतले काट लिए हैं तो वो वैसे का वैसा छन जाएगा, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा बैटर में। तो इसे इस तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे ना तो ये बैटर और भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस में मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब हमारा बैटर रेडी है। तो मैं इसमें कढ़ाई में तेल डाल के गरम होने के लिए चढ़ा देती हूँ। सबसे बड़ी बात, बढ़िया बात पता है क्या है, मसूर दाल पकौड़े बनाने के लिए ना हमें इसे डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे थोड़े से तेल में भी ना बहुत अच्छे से निकाल छान सकते हैं। मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने इसे बहुत कढ़ाई भर के तेल नहीं लिया है, मैंने थोड़ा सा ही तेल लिया है और उसी में मैं ये पकौड़े बहुत अच्छे से फ्राई करके निकाल लूँगी। हमें ना इस तरीके से पकौड़ों को डालना है, गोल गोल नहीं डालना है, एकदम राउंड शेप में नहीं, थोड़ा बिस्किट के शेप में, ताकि ना पकोड़े अंदर से भी सिक जाए। गोल राउंड शेप में हम बनाएंगे ना तो क्या होगा, वो अंदर से कई बार कच्चे रह जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पकोड़े कभी भी कच्चे नहीं रहेंगे। अब एक साइड का हो चुका है तो आप देख सकते हैं मैं इसको टर्न कर रही हूँ 1 बाय 1, बहुत आराम से करना, क्योंकि ना इससे क्या होगा, अगर तेल हमारा गर्म है तो वो जलने का भी हमें डर रहता है। तो इस तरीके से मैं इसे आराम आराम से पलट रही हूँ। देख सकते हैं हमारे ऑलमोस्ट पकोड़े एक साइड से सिक चुके हैं, पक चुके हैं। तो मैं सारे पकोड़े टर्न बाय टर्न पलटती जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। तो देख सकते हैं मैंने सारे के सारे पकोड़े एक साइड से टर्न कर लिए हैं। अब मैं इसे दूसरे साइड से सेकने के लिए छोड़ दूँगी। सकते हैं मसूर दाल के पकोड़े दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये ना मसूर दाल के पकोड़े ना आपको बिहार में स्पेशली ज़्यादातर देख खाने को मिलेंगे, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत फेमस हैं।
अक्सर लोग शाम में ये पकोड़े वहाँ पे खाना पसंद करते हैं चाय के साथ और बहुत इंजॉय करते हैं। इसी तरीके से हम अपने बाकी के पकोड़े भी छान लेंगे। देख सकते हैं कि हमारे सारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं कढ़ाई में से और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। मसूर दाल के पकोड़े वैसे आप किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ। मैंने इसे टमाटो केचप के साथ और रिंग वाले प्याज के साथ सर्व किया है। तो आप देख सकते हैं आ रहा है ना आपके मुंह में पानी। और बारिश के मौसम में और शाम में ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।